बहुत मस्त गाना याद है। हाँ कौन सा गाना भाई? जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है सबसे बेस्ट गाना में लगा। नहीं वो तो काजल अगवानी का वो सॉन्ग था ना, मीठा पान भाई ने कुछ करके चुम्मा लेके मीठा पान भाई ने चुम्मा तो लेके मीठा पान हो गई फिल्म तो सही बा फिर तो दोबारा यही। नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल होस्टली कॉफी पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें करता ही हूँ, लेकिन आज इसलिए भी खाते हैं क्योंकि आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस पर हमेशा होस्टली बॉक्स ऑफिस पर बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज किया जाता है, और आज ही के दिन यानी कि बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है पावर स्टार पवन सिंह का हम है राही प्यार के। जी हाँ, हम है राही प्यार के का जो भीड़ है ना, क्राउड है ना, बीना सिनेमा में पटना में बिहार और झारखंड में हर घर के हो रहा है। पहला शो लगभग हाउसफुल रहा, हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ नजर आए, और साथ ही साथ पहला शो खत्म हो चुका, और खत्म होने के बाद पब्लिक ओपिनियन को जानना बनता है कि आखिरकार हंसिका पुनंचा पावर स्टार पवन सिंह के साथ काजल राजपाल और शहर हफ्सा का आइटम दमदार लोगों को कैसा लगा, पवन सिंह के दमदार डायलॉग पर कितनी शिल्पियाँ बनी, कितने हंगामे हुए, यह पता चलेगा लोगों से राय जानते। तो चलते हैं जनता के पास यानी कि हमारे पब्लिक ओपिनियन में, और बताते हैं कि आपको फिल्म का मजेदार किस्सा कौन कौन शेयर करता है। तो चलिए पूछते हैं लोगों से। फिल्म देखे हो, कैसा लगा फिल्म? मस्त है। कैसा? मस्त है। पवन सिंह का कौन सा डायलॉग अच्छा था, क्या था? बहुत मस्त है। बहुत मस्त है। इसका डांस का कैसा लगा काम? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट लगा। काजल राजवानी भी थी जी? यस। आइटम सॉन्ग? आदम आइटम सॉन्ग। वेरी वेरी वेरी। कैसा लगा फिल्म? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिल्म बहुत बढ़िया है। कैसा था? अच्छा। क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के बारे में? डायलॉग कुछ याद है क्या? नहीं, सब भुला गया। सब भूल गया। फिल्म तो सही बा, फिर तो दोबारा उतना फिल्म नहीं है। फिल्म कैसा लगा चाचा? कैसा लगा फिल्म? अच्छा है। अच्छा, पारिवारिक है? अच्छा अच्छा नहीं है ठीक है। अच्छा आ? अच्छा परिवारिक है। काजल राजवानी के डांस कैसा लगा? ठीक है। अच्छा लगा, बढ़िया लगा। कैसा लगा फिल्म? बहुत अच्छा फिल्म है। बहुत सुपर स्टार भी है। बहुत अच्छा लगा फिल्म। पारिवारिक फिल्म है ना पूरी? हाँ, पारिवारिक फिल्म है। अश्लीलता है तो कहते हैं कि हाँ फिल्म में है तो अश्लील फिल्म में नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत पारिवारिक फिल्म है और सबको देखना चाहिए, एक बार देखना ही चाहिए। देखना चाहिए। हाँ, फिल्म बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में चाचा? फिल्म देखे है ना, कैसा लगा फिल्म? एक नंबर, एक बहुत बढ़िया फिल्म है। बहुत बढ़िया फिल्म है। बढ़िया फिल्म है। हाँ जी सर। हाँ, रोमांटिक फिल्म है ना, पारिवारिक फिल्म है ना जी? है जी। दोबारा देखना पसंद करेंगे? जी करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अच्छा करेंगे। फिर से लगाना? फिर से लगाना? फिर से लगाना? हाँ, बढ़िया फिल्म है। फिल्म है अच्छा, फिल्म है। कौन सा गाना पसंद है? ये वाला। कौन सा गाना? कौन सा के लिए तू काफी है? चलो निकले 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 निकले, महिलाएं निकलेगी। चलो रखिए, चलो क्राउड, ये क्राउड ले लीजिए, क्राउड ले लीजिए। 3 मिनट का हुआ। हाँ बोलो भाजी। हाँ चले। फिल्म कैसा लगे? बहुत अच्छा, बहुत मस्त। पवन सिंह का फिल्म? हाँ बहुत, मतलब मेरे फेवरेट स्टार पावर स्टार है। पावर स्टार है। हाँ, हंसिका पुनंचा का एक्टिंग कैसा लगे? बहुत मस्त। फर्स्ट मूवी तो पारिवारिक फिल्म है ना? हाँ बहुत मस्त। कितना बार पवन सिंह का फैन बात क्या कहेंगे चाहिए? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत खुश, बोरिंग कोई फील नहीं हुआ, अच्छी से मूवी देखे जा रहे हैं। कजली का आइटम सॉन्ग कैसा लगे? बहुत मस्त, बहुत मस्त। गाना याद है? हाँ। कौन सा गाना? जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है सबसे बेस्ट गाना में लगा। नहीं वो तो काजल अगवानी का वो सॉन्ग था ना, मीठा पान भाई ने कुछ करके चुम्मा लेके मीठा पान भाई ने चुम्मा तो लेके मीठा पान हो गई। हाँ फिर कल नाइट शो में आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। फिल्म बहुत मस्त था भैया, फिल्म बहुत मस्त था। हाँ पवन सिंह के